अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ ब्यूटी यूके के फोटो रेडी फुल कवरेज फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ। मैंने ही दो शेड्स में ख़रीदा है बिकॉज़ इसकी शेड रेंज बहुत कम है, ओनली 6 शेड्स अवेलेबल हैं, तो मेरी स्किन टोन से कोई मैच नहीं हो रहा था और मैं थोड़ी सी वार्म स्किन टोन है, तो मैंने इसलिए कैरमल और नेचुरल लिया। नेचुरल बहुत कोल्ड टोन की तरफ था, कोल्ड अंडरटोन था, और ये कैरमल जो है ये बहुत वार्म अंडरटोन था, तो मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। ओवरऑल ये जो कैरमल है ना, इसके अंदर एक पीची टिंट है, तो ये डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से कवर करता है। आप ऐसा कंसीलर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, वेलविटी सेटिन फिनिश है इसकी, केकी बिल्कुल नहीं करता। 8 to 10 आवर्स ये आराम से मुंह पे स्टे करता है, इन केस आपने अच्छा प्राइमर यूज़ किया हो इसके साथ, एंड आप 5-6 आवर्स के बाद नोज़ के टी जोन एरिया पे थोड़ा सा टैल्क से टचअप कर लें। ओवरऑल अच्छा बजट फ्रेंडली फाउंडेशन सिलेक्ट करने का बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है आप अपने फेस पे ट्राई करें। अक्सर लोग अपनी रिस्ट पे करते हैं, रिस्ट हमेशा फेस से लाइटर होती है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने फेस पे फाउंडेशन को लगा के चेक करके लें। और फाउंडेशन के आप 2-3 शेड्स जो आपको लग रहा हो कि आपके मैच हैं, आप फोरहेड पे या चीक पे लगाएं, और जो फाउंडेशन आपको नहीं नज़र आ रहा आपके फेस पे लगा हुआ, वही आपका परफेक्ट मैच है। इसके अलावा वार्म और कोल्ड स्किन टोन्स आप ऐसे पहचानते हैं कि अगर आपके रिस्ट की वेंस, जैसे मेरी यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रही हैं, ग्रीनर साइड पे हैं तो आप वार्म अंडरटोन हैं, और अगर ये ब्लूइश साइड पर हैं या रेडिश साइड पर हैं तो आप कूल अंडरटोन हैं। कूल थोड़े वाइटिश पिंकिश से होते हैं, और जो वार्म टोन्स होती हैं वो थोड़ी वीडिश और ब्राउन्स में होती हैं। कूल टोन वाला वार्म टोन लगाएगा या वार्म टोन वाला कूल टोन लगाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फेस पे। अगर आप इसके स्वाचेस देखना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, मैं आपको इस फाउंडेशन के स्वाचेस भी दिखा दूँगी।